हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के सीजन में दोस्तों, अगेन आई एम हियर विथ अ वेरी इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट द फॉर्म 10B ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर 23-24। इनकम टैक्स हैज अनाउंस्ड अ न्यू फॉर्म 10B और वो नोटिफाई हो चुका है और पोर्टल पे अवेलेबल भी है। तो ये एक 3 पार्ट का वीडियो सीरीज रहेगा जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म 10B एप्लीकेबल है या फॉर्म 10BB एप्लीकेबल है और कैसे एक ऑफलाइन यूटिलिटी है जिसको डाउनलोड करके आपको ये फॉर्म भरना है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हर शेड्यूल्स में कैसे इंफॉर्मेशन डालना है और कैसे ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न के साथ या आपका जो फॉर्म 10BD डोनेशन का रिटर्न है उससे क्रॉस रेफरेंस किया जाएगा। थर्ड पार्ट में हम जेसन फाइल कैसे अपलोड करेंगे, DSC कैसे अटैच करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए ये 3 पार्ट के वीडियो सीरीज में। चलिए तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये तो देखते हैं कि फॉर्म 10B एप्लीकेबल है या फॉर्म 10BB। पिछले सालों तक ओनली एक ही फॉर्म हुआ करता था, फॉर्म 10B, सिंपल सा 5-6 पेज का फॉर्म हुआ करता था। उसको चेंज करके अब डिसाइड किया है कि 2 फॉर्म है, फॉर्म 10B एंड 10BB। तो अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो फॉर्म 10BB एप्लीकेबल है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फॉर्म 10B। हालांकि कुछ कंडीशंस दिए गए हैं तो यहाँ पर मैं आपको उस कंडीशंस के बारे में बताऊंगा कि आप को ये फ्लो चार्ट फॉलो करते हुए डिसाइड करना है कि आपको 10B एप्लीकेबल है या 10BB एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आपकी FCRA रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। अगर FCRA रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपका FC फंड रिसीव हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। दिस इंक्लूड्स इवन द इंटरेस्ट ऑन द FCRA फंड, करेक्ट। मतलब आपके जो SBI मेन अकाउंट है दिल्ली में FCRA का, उसमें अगर सिंगल रुपी डिपॉजिट हुआ है विद इंटरेस्ट या कुछ भी इनकम का या फॉरेन से फंड का, तो आपको यहाँ पर यस हो जाएगा और आपको फॉर्म 10B फाइल करना है। अगर आपका FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं है या आपका FCRA फंड रिसीव नहीं हुआ था, तो सेकेंड स्टेप है कि क्या आपने कोई भी यूटिलाइज फंड आउटसाइड इंडिया में किया हुआ है, नेपाल, बांग्लादेश या एनी कंट्री। अगर आपने फंड यूटिलाइज किया है आउटसाइड इंडिया तो भी आपको फॉर्म 10B भरना है। अगर वो नहीं किया है तो थर्ड स्टेप पे आप जा सकते हैं कि आपकी ग्रॉस इनकम विदाउट डिडक्शन या एप्लीकेशन ऑफ इनकम 5 करोड़ से अबोव है। इफ़ यस तो आपको फॉर्म 10B एप्लीकेबल होगा, इफ़ नो तो आपको फॉर्म 10BB एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करना कि पहले फॉर्म 10B जाएगा या फॉर्म 10BB जाएगा। ऑफकोर्स आपके ऑडिटर इसको चेक करके ही कोई एक फॉर्म फाइल करेंगे। हालांकि इनकम टैक्स की नेटिव पोर्टल पे या यूटिलिटी पे ये ऑटोमेटिक डिफाइन नहीं होता है कि आपका टर्नओवर इतना है तो 10B होगा या 10BB होगा। सिंपल वो आपको पूछते हैं कि आपको ये फॉर्म फाइल करना है या ये 10BB फाइल करना है। सो बेसिकली आपको ही ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना है। वंस यू डिसाइडेड देन यू हैव टू डाउनलोड दिस फॉर्म यूटिलिटी फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल एंड फॉर्म फिलअप करना है। चलिए तो देखते हैं कि ये यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है इनकम टैक्स की एंड ये zip फाइल डाउनलोड करनी है आपके कंप्यूटर पे। वंस यू डाउनलोड दिस zip फाइल आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है और एक फोल्डर ओपन करना है जो ऐसे दिखेगा, फॉर्म 10B असेसमेंट 23-24 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर ये एक सेटअप फाइल है, उस पर डबल क्लिक करने पर आपकी एक यूटिलिटी ओपन हो जाएगी जो कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, 10B असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर आपके आप नए फॉर्म्स बना सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई ड्राफ्ट वर्जन्स है तो वो भी आपको दिखने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्टिंग विथ न्यू फॉर्म। यहाँ पर आपको प्रीफिल डेटा अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो भी मिल जाएगा। अगर पुरानी जेसन फाइल है या कहीं और बनी हुई जेसन फाइल है उसको भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। हम विदाउट प्रीफिल वाले ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि ये फ्रेश वाला है, नया वाला है।
यहाँ पर आपको पान नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल, और कंटिन्यू करना है। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको पढ़ लेना है बिफोर गेटिंग स्टार्टेड। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको डाउनलोड करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीडीएफ में, पूरे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ लेने। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन पेज है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो पुराना असेसमेंट ईयर 22-23 से पहले वाले असेसमेंट ईयर में पुराना फॉर्म 10B आप पोर्टल से डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, और नए फॉर्म के लिए आपको ऑफलाइन यूटिलिटी में ही जाना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किसको फॉर्म 10B एप्लीकेबल है, जो हमने अभी फ्लो चार्ट में देख लिया वही चीज़ लिखी हुई है फॉरेन कंट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं फॉर्म 10B फाइल करने के लिए। तो सबसे पहले टैक्स पेयर को अपने लॉगिन से 10B असाइन करना है CA को। CA देन अपने असाइनमेंट टैब में जाके उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। वंस एक्सेप्टेड बाय द CA, उनको एक अपलोड और जेसन फाइल अपलोड करना है, और जो भी PDF अटैचमेंट है, बैलेंस शीट, PNL वगैरह, इसके साथ अटैच करना है। CA जेसन फाइल एक बार सबमिट करेंगे अपने DSCA वगैरह से, तो टैक्स पेयर उसको अपने फॉर योर एक्शन टैब में जा कर के एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। और दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, DSC और EBC का, वो हम देखेंगे अभी। डू नॉट वरी अबाउट दिस, मैं आपको डिटेल में इसका बताऊंगा कि कैसे अपलोड करना है जेसन फाइल, कैसे वेरीफाई करना है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वेरीफिकेशन कैसे कर सकते हैं ये 10B का? तो CA के लिए सिर्फ DSC ऑप्शन अवेलेबल है, और जो असेसी है मतलब ट्रस्ट वगैरह है, वो DSC भी से भी कर सकते हैं, या EBC जो OTP आता है आधार OTP से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी जो है NGO, वो सिर्फ DSC ही ऑप्शन यूज कर सकती है, उनके लिए OTP इज नॉट अलाउड। यूटिलिटी डाउन करने के लिए मैंने लिंक आपको बता दिया है, और ये हर पॉइंट के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आपको वीडियो में उसको दिखाऊंगा कि कैसे हर चीज़ में क्या फिलअप करना है। सो यहाँ इंस्ट्रक्शन पेज में वही दिया हुआ है, जो और काफ़ी कुछ शेड्यूल्स भी है। जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाले इंफॉर्मेशन, कि अगर कहीं भी फॉर्म में डेट फॉर्मेट मांगा गया है या डेट लिखने का आ रहा है, तो आपको इसी फॉर्मेट में डेट देना है। यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, नील वैल्यू है तो ऑडिटर हैज़ टू एंटर ओनली 0, ठीक है, उसको ब्लैंक नहीं रखना है। और ये 5 शेड्यूल हमको फिल करने हैं, इस 5 शेड्यूल में आपको इन्फॉर्मेशन तभी ओपन होंगे जब आपने कहीं पर उसको यस नो किया होगा, ठीक है। ये अदर पैनल में मतलब जहाँ जहाँ इसके बारे में, जैसे कॉर्पस के बारे में जहाँ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ पर कहीं यस नो या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसके डिटेल के लिए ये शेड्यूल दिया गया है कॉर्पस का, तो आपको उसमें फिल करना रहेगा कॉर्पस में। ये अगर पैनल फिलअप नहीं है, फिर भी आप जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो वैलिड नहीं होगा, तो फॉर अ टेम्पररी बेसिस यू कैन डू इट, बट अदरवाइज आपको कंप्लीट करके ही, सारे पैनल्स कंप्लीटेड होने के बाद ही जेसन फाइल डाउनलोड करके ई फाइलिंग पोर्टल पे अपलोड करना है। ये शेड्यूल्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री की जा सकती है टेबल फॉर्मेट में, CSV वहाँ पर अलाउड नहीं है अपलोड करने के लिए। जब ये शेड्यूल्स आएंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फाइल करना शुरू करिए।